जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी। चंदन का पेड़ काटने का विरोध करने पर अज्ञात बदमाशों ने अधेड़ को चाकू से गोदा, हुई मौत। घर के बाहर चारपाई पर सो रहे एक अधेड़ को अज्ञात बदमाशों ने चारपाई से बांधकर उसके मुंह में कपड़ा दिया तथा धारदार चाकू से उस पर कई वार किए एवं चंदन का पेड़ काटकर फरार हो गए। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बताते चले कि अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम चंदीपुर निवासी मिलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र पुत्तूलाल अपने घर के बाहर सो रहा था, तभी उसके घर के बाहर लगे चंदन के पेड़ों को बीती देर रात अज्ञात बदमाश काटने पहुंचे। आहट पाकर उसकी नींद खुल गई और उसने इसका विरोध किया, जिस पर अज्ञात बदमाशों ने उसे चारपाई में बांध दिया तथा उसके मुंह में कपड़ा गूंथकर उस पर धारदार चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आनंद फानंद में पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा पूरे मामले की पड़ताल शुरू की। घटना स्थल से करीब 200 मीटर दूरी पर लकड़ी खंडन चार गट बरामद हुए हैं। हाँ भैया, हम गए रहन, हम माताराम गए रहन, सुबह लैटरीन गए रहन, तब सुबह लैटरीन गए हम गए, छोटा बच्चा मेरा गए, सब लोग गए, तब देखे वहाँ पर बंधे, मतलब खटिया में यहाँ रस्सी में यहाँ हाथ बंधे रहा है और पैर बंधे रहा, महिमा कपड़ा तक गुंजा रहा है, महिमा कपड़ा गुंजा रहा है। तभी तब देखे हम लोग वहाँ बाहर मढ़ा पे लेटे थे। क्या मच्छरदानी वगैरह कुछ? मच्छरदानी लगी थी। आप कौन हैं? हम की बहू है, बड़ी अली माता जी। आप माता है? हाँ। कैसे आपने जब वहाँ गई?